गुरु नानक साहब के दर्शाए मार्ग से चल के मेरे दोस्तों ने शहर के अंदर मोदी खाना जिसे 13-13 नो प्रॉफिट नो लॉस के उत्ते दवाइया मातड़ के गरीब लोगों को देने का वड्डा उपराला किया। जिधर शुरुआत हुई मैं भी हाजिरी भर के गया। मैं बेनती की इन्होंने दोस्तों ने भी यार तुम शहर के अंदर 4 अपनिया ब्रांचा बनाओ जितों मातड़ के गरीब लोग थोड़ी इस सेवा का फायदा चक सकन। अज वो हैल्थ माफिया वो मेडिकल माफिया जिन्हों की लुट इन्होंने उजागर करती भी किमें लुटते अज उन्होंने बड़िया मिर्चा लगियां इस गल तो बड़ा दुखी हुए आ वो स्कीम गुंद रहे भी किड़े तरीके असी इस मोदी खाने को बंद करना। मैं उन्होंने अपील तो बेनती करूँगा हट जाओ ये गरीब 6-6 बजे 5-5 बजे आके खड़ जाते इस मोदी खाने का फायदा चकन लिए रौला पाया जा रहा है एथिकल तो जेनरिक मेडिसन का बिल्कुल बेबुनियाद झूठा कोरा दंभी प्रचार हैगा। एथिकल एंड जेनरिक का बवेला खड़ा करके लोगों को रोकने का यतन करते भी इस मोदी खाने से ना आओ। सो मैं जिथे थोक वाले जिहड़े पिंडी गली वाले प्रधान ते उन्हां दी एसोसीएशन उन्होंने भी जरूर अपील करूँगा उत्थे हैल्थ सैकटरी पंजाब उन्हां नाल टेकअप करूँगा डीसी साहब नाल टेकअप करूँगा कि किसी भी हालत मोदी खाना कंसैप्ट बंद नहीं होना चाहिए। जिथे जरूरत पेगी असीं इन्हां दोस्तों का हर गलों साथ देवांगे। साहब एक गल देखने मिली आम तौर पर हस्पतालों के जोड़े मैडिकल स्टोर ने वो कहते हैं कि दवाई बाहर की नहीं चलूगी जो किसी को इतना जरूरत पी तो हस्पताल ने दवाई नहीं लैनी। बहुत वही लुट हैगी लोक इंसाफ पार्टी ने 2017 के दयानंद होस्पिटल धरना लाया से 100 रुपये की बाहर वाली दवाई अंदर 300 रुपये की पाबंदी ला देंगे पेशेंट से भी तू बाहरों नहीं दवाई खरीदनी तुसी डॉक्टर की फीस लाओ ऑपरेशन लाओ बैड चार्जेस लाओ तुसी कौन होंगे हो दवाई के लोगों को ठगण वाले। यही हाल जिहड़ा मेडिकल स्टोर वाले कर रहे हैं दवाई का पत्ता 8 रुपये का तो प्रिंट रेट 140 रुपये कहते 140 रुपये का तैनू 135 का देता। सो ये लोगों की लुट का मंजर सरकार चुपते खामोश हैगी है सरकार का कोई ध्यान नहीं इस पासे। जे सरकारी हॉस्पिटलों के इलाज चंगा हो लोग क्यों जान प्राइवेट हॉस्पिटलों के नैक्सस हैगा जेडे प्राइवेट मेडिकल हेल्थ माफिया के लोग बड़े पावरफुल आ वो खुद पॉलिसियां बना के देंगे सरकार को ता जो सरकारी हॉस्पिटलों का बेड़ा गर्क हो जाए जेड़ा मेडिकल माफिया लोगों को चंगे तरीके लुटे। जिते जिते तुहाडे वार्ड के प्रधान ने या जिते जिते हल्के के प्रधान ने तुसीं भी विधायक हो अपने इलाकों के असी तो मैं तो जितने उद्घाटन से होकर गया मैं तो उस दिन इन्होंने रिक्वेस्ट की भी तुम शहर के अंदर 4 ब्रांचा बनाओ असी मायक तौर पर तो जोड़े मंथली चंदा देने वाले लोग असी तो भी जोड़ांगे थोड़े नाल जोड़े हर महीने थोड़ी इस सेवा दे आर्थिक तौर पर योगदान भी पाउणगे। मैं कोशिश मैं तो पहला दस के हटिया थोड़ा कह के गया भी एक साढ़े वाले पास शिमलापुरी गिल रोड साइड पर बना दौ कोई एक हैबोवाल साइड बना दौ कोई दूसरा गिल वाले पासे बना दौ घट्टो घट 4 ब्रांचा शहर के तुहाडे तो सेहत लैके पंजाब के बाकी जिले तो साढ़े रीजन के अंदर नॉर्थ रीजन के अंदर सारे लोग जोड़े इस पास में तुर पैन। देखो गल सुनो एक जी दुकान थोड़ा सवाल बड़ा वाजिब है एक दुकान किन्ने लोगों को सर्व कर सकती है एक मोदीखाना किन्ने लोगों को दवाई दे सकता जिदे को पैसे आ टाइम नहीं है उन्हें नहीं देखना भी ये किन्ने की है 500 वाली मैंने 1000 दी उन्हें पैसे दे के चलिया जाना इतने वो ही बंदा आऊगा जिदे को 3 टाइम की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। लॉकडाउन आ बीमारी कारण लोग बेरोजगार होए बैठे लोगों को बिजली का बिल भरन वास्ते बच्चों दी फीसां देने वास्ते 3 टाइम की रोटी का जुगाड़ तक नहीं है। ये दुकान जिहड़े लोग तुहानू बोलदे आ ना भी असी टैक्स देना साढ़े कोल इंपलॉईज आ उन्हां नू मेरी सुनिम्र बेनती थोड़े जरिए आ भी कृपा करो एक दुकान सारे शहर नू लखां लोगों नू सर्व नहीं कर सकदी। देखो हुण जदों उन्हां दी ठगी बेनकाब हो गई फिर वो इस गल ते आ गए भी इन्हां दी दवाई बंद कर दिओ दवाई बंद करन दी जे नौबत आऊगी मेरा ख्याल उन्हां दीआं दुकानां भी नहीं चल पाउणगीआं। ये मोदी खाना गुरु साहब कृपा कर किसी भी कीमत पर बंद नहीं होएगा लोगों दिन भावनावें ना दोस्तों के नाल जुड़ चुकिया ने कला पंजाब से नहीं पूरी दुनिया से वसदे पंजाबी भावनक तौरमत तौर के उत्ते इन्होंने नाल जुड़ चुके हैं एंड मैं सरकार के नुमाइंदों नाल भी जरूर टेकअप करूँगा भी इस कंसैप्ट किसी भी कीमत पर बंद ना किया जाए।